नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का ब्यौरा सामने आया है। 28 मई को सुबह 7:30 बजे से ही हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा होगी। पीएम के भाषण से पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष के भाषण का भी आयोजन है। विपक्षी दल उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को मिले जनादेश का विरोध करके नकारात्मकता की राजनीति कर रही है, पूरे देश का अपमान कर रही है। 28 मई को संसद भवन में तमिलनाडु के मदुरै अधीनम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामी गल ही पीएम मोदी को सेंगोल थमाएंगे। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया गया था। बाद में उस सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक यानी टहलने की सुनहरी छड़ी के तौर पर रख दिया गया था। पीएम मोदी सनातन परंपरा में निष्पक्ष शासन के उस निशान को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित करने वाले हैं। तीन देशों की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया पूर्ण बहुमत की सरकार के आगे नतमस्तक है। सिडनी के कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष हर दल के नेता जुटे थे। पीएम ने कहा कि वे दुनिया में भारत के पराक्रम के गीत ही गाते हैं। देश वापसी के साथ ही पीएम मोदी ने देहरादून वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मसले पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से मदद मांगने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे। इससे पहले केजरीवाल से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एनसीपी दूसरी पार्टियों से भी मदद मांगेगी। मणिपुर में हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन के मणिपुर दौरे का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि अदालत के एक फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा हुई थी। गृह मंत्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और सभी को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। पिछले दिनों मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच कई झड़प हुई थी। हिंसा के बाद मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। प्रियांक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन शांति भंग करता है और कर्नाटक में सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाता है तो सरकार उसे बैन करने में नहीं हिचकेगी। इससे पहले कांग्रेस ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया था। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि प्रियांक खड़गे क्या कर्नाटक के सुपर सीएम बन गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खतरे को देखते हुए उन्हें Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराने का फैसला किया गया है। भगवंत मान की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि अब पंजाब पुलिस की जगह CRPF लेने वाली है। चरणजीत सिंह चन्नी ने CM भगवंत मान पर पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। पिछले दिनों भगवंत मान के प्लेन से ही दिल्ली के CM केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक के दौरे किए।